दोस्तों, अब उस टूर्नामेंट का वक्त आ गया जिसका हर किसी को इंतज़ार रहता है पूरे साल। 2 महीने करीब ये टूर्नामेंट चलता है और उसका नाम है आईपीएल। और आईपीएल की पहली सीरीज़ में मैं यूट्यूब में बात करना चाहूँगा कोलकाता नाइट राइडर्स की। 2 बार की चैम्पियन है और इस बार इस टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि टीम से, बल्कि कोच के तौर पर एक नए शख्स जो है इस टीम के साथ जुड़े हैं और उनका नाम है चंद्रकांत पंडित। चंद्रकांत पंडित को भारतीय क्रिकेट में द्रोणाचार्य की संज्ञा मिली है। दरअसल चंद्रकांत पंडित को भारतीय क्रिकेट में एक तरह से देखा जाए एक अद्भुत दर्जा हासिल है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी टीमों के साथ जो कामयाबी हासिल की है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो विदर्भा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, कहते हैं कि उनकी कोचिंग में एक अलग ही बात है। फिसड्डी से फिसड्डी टीम को वो चैम्पियन बना देते हैं। जब उस टीम से कोई उम्मीद नहीं होती है, उस टीम को चैम्पियन बना देते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अपने पहले आईपीएल में हेड कोच के तौर पर पंडित के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती आई है? जी हाँ, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? टीम की चुनौती नहीं, कप्तान की चुनौती। श्रेयस अय्यर जो हैं केकेआर के कप्तान थे, इतना कि केकेआर ने उन पर बहुत बड़ी बोली लगाकर उन्हें 2022 में टीम में शामिल किया था। क्योंकि श्रेयस अय्यर न सिर्फ एक बल्लेबाज बल्कि एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विकल्प देते हैं। रिकी पॉन्टिंग सरीखे खिलाड़ी ने उन्हें कप्तान बनाया था दिल्ली का, जब गौतम गंभीर को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी 20 टूर्नामेंट के बीच से। लेकिन अब श्रेयस अय्यर एक बार फिर से देखा जाए तो टूर्नामेंट के बीच से बाहर रहेंगे। कब जुड़ेंगे अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि अभी वो NCA में है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में है। तो कोलकाता के पास अब समस्या है कि कप्तान बनाए तो किसको बनाए। और अगर विकल्प के तौर पर देखें तो बड़े 2 विकल्प अगर सबसे आसान आते हैं, लेकिन वो दोनों विदेशी विकल्प हैं। टिम साउदी की बात करें या शकीबुल हसन की बात करें, टिम साउदी तो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं और उन्हें अनुभव है T20 में भी, और वो कर सकते हैं। लेकिन साउदी हों चाहे शकीबुल हसन हों, ये दोनों प्लेइंग 11 में एकदम नियमित, एकदम 100% जिस तरह से AB डिविलियर्स हुआ करते थे या क्रिस गेल हुआ करते थे कि ओवरसीज प्लेयर हैं लेकिन ये होंगे ही होंगे, वो बात नहीं है। और न ही इनका स्टेचर, एक तरह से देखा जाए इस तरह का इनका स्टेचर है कि टीम में मतलब इन्हें उस तरह से लिया जाए। साउदी न्यूजीलैंड के लिए एक फैंटास्टिक कप्तान है, लेकिन KKR सेटअप में पता नहीं। केन विलियमसन जैसे कप्तान भी, बेहतरीन कप्तान, बेहतरीन लीडर भी, हैदराबाद की टीम में उनको संघर्ष करना पड़ा, तो वो एक समस्या है। तो ये दोनों, इसके अलावा कौन बच जाता है कैंडिडेट? सुनील नरेन है, जो KKR के बहुत दिनों से खेल रहे हैं, एक तरह से देखा जाए KKR के लेजेंड हैं, लेकिन उनके पास भी कप्तानी का अनुभव नहीं। अभी हाल में उन्होंने आबू धाबी में T10 टूर्नामेंट में कप्तानी की थी, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 मैच जीते थे। इंट्रोवर्ट हैं, मतलब बहुत अंदरूनी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और IPL जैसे टूर्नामेंट में ये बातें आपके खिलाफ जा सकती है। तो ऐसे में विकल्प बचता क्या है? क्योंकि चंद्रकांत पंडित अगर देखा जाए उस तरह के खिलाड़ी हैं जो शायद अपने पहले साल में ही एक विदेशी कप्तान के साथ शायद काम करने में उनको वो हिचकिचाहट हो, क्योंकि उनका जोर हमेशा कम्युनिकेशन पे रहता है। और अगर कोई विदेशी खिलाड़ी रहे तो भारतीय खिलाड़ियों के साथ, देसी खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन एक इशू हो जाता है, खासकर 2 महीने के टूर्नामेंट में लगातार आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऐसे में बच जाता है सिर्फ 1 खिलाड़ी, वो खिलाड़ी है नीतीश राणा। अब नीतीश राणा ने तो दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में, मतलब घरेलू टूर्नामेंट में कप्तानी की है, लेकिन IPL में कप्तानी करना बिल्कुल एक अलग चुनौती है। तो क्या KKR इतना बड़ा चूहा खेलेगी? लेकिन पंडित के पास विकल्प क्या है, चंद्रकांत पंडित के पास विकल्प क्या है? तो कुल मिलाकर देखा जाए ये सवाल जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कोई इस समस्या के बावजूद KKR में संजीवनी डाल सकता है तो वो चंद्रकांत पंडित हैं। कप्तान कोई भी हो, ये मानकर चलिए कि उस कप्तान में झलक और सोच जो है आपको चंद्रकांत पंडित की देखने को मिलेगी। पंडित के लिए चुनौती भी अपनी होगी, क्योंकि नया टूर्नामेंट है, नई तरह की चुनौती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में, भारत की घरेलू क्रिकेट में डंका मचाया है, उम्मीद की जा सकती है कि IPL में भी उस कामयाबी को वो दोहरा सकते हैं।